गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग सुमित्रा, मग्राय, विनया, चिन्मया, माधव, अदिति, तानिया, दिवाकर, खान, बिलाल, विवेक, अर्पित, वेरी गुड इवनिंग सारिका, विशाल सर, रजना, आरती, प्रियंका, माही, राजीव, अरुण, नीला, गुड इवनिंग संजय, निक्की, विवेक, विकास, एकता, जयदीप एंड वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ इस सेल बायोलॉजी के जो सेशंस है, यानी कि कंप्लीट सेल बायोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपको पता है कि ये पूरी सीरीज फ्री है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जो है आज जुड़े हो, आज बहुत सारे लोग आए, तो आप हमेशा जब मैं यहां पर आऊंगा, लाइव आऊंगा, तो आपको मेरे साथ ही पढ़ना है। बाद में पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। बाद में जब आप ये सेशंस देखोगे तो एक प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा इंटरेक्शन था, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए या डिस्कस किए, फिर आपको वो एडिट करने लगेगा। आप बोलोगे सर बीच में स्टूडेंट से क्यों इंटर कर रहे ऐसे, तो मेरे साथ पढ़ोगे तो एंजॉय करोगे। यानी कि क्या करना है, आप यहां तक आए हो तो डेफिनेटली यहां से आगे मेरा काम है आपको मेरे साथ बनाने रखने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हम सेल बायोलॉजी के, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए खुद के लिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस दिन का जो सवा घंटा है या डेढ़ घंटा है वो आप मेरे लिए सेव करके रखिए, जिसमें डेफिनेटली आपका बहुत सारा फायदा होगा। और जैसे हमें पता है, मतलब जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मतलब जो यूनिट है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली सेल को क्यों चूज किया है, इसका बहुत सिंपल रीजन है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, एनिमल फिजियो हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, कोई भी यूनिट हो, डाइवर्सिटी हो, हर किसी में सेल बायोलॉजी जो है वो लगती है। एक बेसिक यूनिट है जो हर जगह आपके काम आएगी, इंटरव्यूज हो, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हो, तो इसके लिए ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फर्स्ट जो सेल बायोलॉजी है उसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? अब इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, जितने पॉइंट्स मैं आपके कवर करूंगा, वो सारे पॉइंट्स कौन से एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो CSIR नेट एस्पायरेंट्स है, डेफिनेटली उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भले आपने पहले से सेल बायोलॉजी पढ़ रखी होगी, लेकिन एक बार यहां से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको नया डेफिनेटली मिलेगा और आप एक अलग लेवल का ही सेल बायोलॉजी यहां पर एक्सपीरियंस करोगे। आर यू गेटिंग मी? CSIR नेट एस्पायरेंट्स हो, IIT जाम हो, TIFR हो, JNU हो, BHU हो, DU हो, या फिर ऑल MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया, मैं यहां से आपको चैलेंज करता हूं, यहां से ओपन चैलेंज है मेरा,
मेरे से एक बार सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आपका सेल का किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप फिर मुझे बोलिए। सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक नेशनल लेवल के एग्जाम्स थे, जो जैसे कि स्पेशली एमएससी एंट्रेंस को मैं मेंशन करूंगा यहां पर, डेफिनेटली सीएसआईआर को भी यहां पर कंसिडर किया है, लेकिन सीएसआईआर का उतना डिटेल तक नहीं जा सकते, हो सकता है 4 महीने लगे यहां पर एक एक घंटे सेल बायोलॉजी पढ़े तो उनके लिए तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन जो आईआईटी जाम है, डीयू है, बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू है, जेएनयू है, या कोई भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस हो, या प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हो, कोई भी एमएससी का एंट्रेंस होगा, सेल बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मेरा चैलेंज आपको, बस मतलब ये मैंने कह दिया, लेकिन आप लेक्चर ही देख रहे हो तो फिर कैसे होगा? आपको लेक्चर देखना होगा और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना होगा। क्लियर है? यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, जैसे मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था उसमें आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 600 डिफरेंट क्वेश्चंस है मेरे पास सेरोलॉजी के। वो तो एक है जो मैंने बनाया है, ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल पड़ा है उसमें भी ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस है, तो ऑलमोस्ट कह सकते 2000 क्वेश्चंस हमारे पास है। अगर इसमें से हम 600-800 भी डिस्कस कर पाए ऑनलाइन क्लास में तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर यहां तक? तो ये एग्जाम्स के लिए मैं यहां पर सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? देन टॉपिक्स जो है हमें सेल बायोलॉजी के अंदर देखने हैं वो कौन से, जस्ट एक ओवरव्यू देखते और उसके बाद इन डिटेल जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको वहां पर बताऊंगा। क्लियर? देन वेरी फर्स्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड लिपिड रैप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट तो हम बेसिक से करेंगे, सेल क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, फिर क्या क्राइटेरिया है, फिर सेल थ्योरी है, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी परमेबिलिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड इट्स पोटेंशियल। देन प्रोटीन सॉर्टिंग, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनल्स, साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोटिलिटी। देन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे कि जो जीनोम होता है या डीएनए, उसके साथ जो प्रोटीन होते हैं कैसे हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अरेंज होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोजोन्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें डीएनए ट्रांसपोजोन्स होंगे, आरएनए ट्रांसपोजोन्स होंगे। माइटोसिस, मियोसिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब स्पेशली मैं कल क्वेश्चन सॉर्ट कर रहा था तो ऐसा कोई पेपर नहीं था कि जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स और इवन जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, मतलब ये 4-5 टॉपिक ऐसे थे जिनके ऊपर एक नहीं 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे। स्पेशली सेल साइकिल के ऊपर तो मुझे एक पेपर में हद हो गई 12 क्वेश्चन मिले, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन मुझे सिर्फ माइटोसिस मियोसिस के मिले। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, माइटोसिस मियोसिस तो है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है वो भी पढ़ना है। एंड उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रेस, इसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर यहां तक? एनी क्वेश्चन और एनी डाउट अगर आपको कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग मीर, योगी, शुभम तिवारी, विशाल, अपूर्वा, गुड इवनिंग ऋतुजा, नम्रता, गुड इवनिंग राजश्री, गुड इवनिंग यशोदा, खुशबू, वेरी गुड इवनिंग ऑल। प्लीज वन, यस, सीएसआर नेट के लिए है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यस संजय कुमार मिश्रा, आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ओके, वेरी गुड।
चलो करें स्टार्ट, फिर स्टार्ट करें। तब तक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी ये लिंक जो है लेक्चर का, आपके जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे या जितने भी आप ग्रुप पे हो, जितनी पॉसिबल जगह पर हो, वहां पर आप पोस्ट करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और हम खुद को फिर एनालाइज कर सके, अच्छे से इसका फायदा ले। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर लेक्चर का टाइमिंग चेंज होगा या कुछ भी अगर चेंजेस होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली आता रहे, अदरवाइज आप लेक्चर को मिस कर सकते हो। क्लियर है? देन वेरी फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर है? और स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी मार्वेलस थिंग है आपके लाइफ में जो आपको या आपके माइंड को फैसिनेट करती है, मार्वेलस। हाँ, एक मुझे करती है स्पेशली मार्वल स्टूडियो, तो जहां पर आयरन मैन, थॉर और ये सारी मूवीज है, वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। लगता है कि बहुत अलग टाइप की थिंकिंग है और ऐसा भी पॉसिबल है क्या? और मार्वेलस, उनका नाम ही मार्वल स्टूडियो, मतलब कुछ चमत्कारिक। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, लाइफ से या लिविंग थिंग से मार्वेलस कोई भी थिंग नहीं है। लिविंग थिंग जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए सिर्फ हमारे बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो यहां पर बहुत सारे मार्वेलस मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। उसके बारे में हमें जानना है, हमारे बॉडी के बारे में हमें जानना है, तो वो कैसे उसको हम डिस्कस करते हैं। इस पूरे प्लेनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से कंपोज्ड हुए। देन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज सेल, सेल किसको कहा जाए। तो एक सिंपल सा आंसर आता है यहां पर कि ऐसा कोई यूनिट जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जिसका क्या हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको हम सेल कहेंगे। या फिर उसको और एक क्राइटेरिया है कि ऐसी कोई भी चीज जो लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन जो है परफॉर्म करें, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो अगर किसी यूनिट को या किसी चीज को आपको सेल कहना है तो आपको दो क्राइटेरिया डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे। एक होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा होता है कि जो लाइफ को जितने भी इसेंशियल फंक्शन है उनको परफॉर्म करना आना चाहिए, एस और नो, तो उसको हम कहेंगे सेल। अब इसमें अगर आगे थोड़ी सी बात करें तो हम कहते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब सेल से कोई भी थोड़ा सा कम स्ट्रक्चर हो, कोई भी थोड़ा सा कम स्ट्रक्चर हो सेल से, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, उसको हम सेल नहीं कहेंगे, उसको हम सेलुलर नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ए सेलुलर। तो सेल कहने के लिए एटलीस्ट ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। इसको और एम्फेसाइज करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करो। ठीक है यहां तक? सो फर्स्ट, हेंस हम कह रहे हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सेल से थोड़ा भी कोई कम स्ट्रक्चर हो, उसमें थोड़ी भी कुछ कम चीजें हो, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। तो लाइफ के सबसे बेस पर अगर कोई होगा तो वो सेल है। तो सबसे बेसिक यूनिट अगर कोई होगी लाइफ की तो वो क्या है, सेल है। लेकिन केमिस्ट्री वाले ये बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे एटम जो होता है
वो सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो उनका परसेप्शन है। अगर हम बायोलॉजिस्ट थे तो हम इस तरीके से सोचेंगे, समझ रहे हो? तो एटलीस्ट सेल होना जरूरी है। सो इस सेल को डिफाइन करने के लिए, या ये सेल क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए सेल थ्योरी की दी गई और उसके लिए कई सारे साइंटिस्ट आ गया है, और उसमें से एक साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम है मैथ्यू शेल्डन, जिन्होंने 1838 के अंदर, और ये बॉटनिस्ट थे, और एक थे थियोडोर श्वान जो कि 1839 में, जो कि मेनली जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इन्होंने साथ में नहीं दिए, इन्होंने इंडिपेंडेंट अपना काम किया और सेल के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स हमें दिए, लेकिन बाद में आगे चलकर दोनों साथ में जुड़े और दोनों ने साथ में जुड़कर एक सेल थ्योरी फॉर्म की, जिसको आज हम कहते हैं श्वान एंड शेल्डन सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी के अंदर कुछ एडिशंस करने के काम रुडोल्फ विर्को ने किए, इसने कुछ मॉडिफिकेशंस किए श्वान एंड शेल्डन की थ्योरी में, कुछ मॉडिफिकेशंस किए, क्लियर है? तो अब श्वान ने क्या कहा, शेल्डन ने क्या कहा, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम वो पार्ट फोकस नहीं करते। हर पार्ट फोकस करेंगे, हर चीज डिस्कस करने जाएंगे तो फिर हमारी सेल बायोलॉजी एक साल चलेगी। हमें उन्हीं चीजों को फोकस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करे। मतलब हम पढ़ ही इसलिए रहे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो यही है कि एग्जाम में बैठ गए तो जितना सर ने पढ़ाया था उससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। पढ़ने के लिए तो अल्बर्ट पढ़ सकते हैं, लोडिश पढ़ सकते हैं, उसके बाद कूपर पढ़ सकते हैं, गेराल्ड है, कार्पे, इतने में हर एक पेज की एटलीस्ट 800 पेजेस होंगे, तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेन मेन चीजों के ऊपर फोकस करना है और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, और वो कह रहा है हमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल्स से एंड वो सेल से बनने वाले प्रोडक्ट से बनते हैं। इतने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर है, वो किससे बने, सेल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, सिंपल से समझने की कोशिश करो, तो सबसे बेस पे अगर कोई है लाइफ के तो वो सेल है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनसे बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या, ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप कहोगे कि सर ये तो प्लांट के लिए हो गया, तो क्या दिक्कत है आपको, एनिमल के लिए भी दिखाया तो, सेम एनिमल के लिए भी है। तो ये सेल है, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कितना भी स्मॉल हो, कितना भी बड़ा हो, सारे ऑर्गेनिज्म किससे कंपोज हुए, सेल से एंड उनके प्रोडक्ट से। क्लियर यहां तक? तो ये हमारे सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है, क्या, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। क्लियर? उसके बाद जो हमारा सेकेंड है, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सारी सेल्स जो होती है वो केमिकल, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलाइक होता है, सेम होता है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि अगर मेरी बॉडी जो है उसके अंदर शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए है, तो आपके बॉडी में वाइब्रेनियम है, टेसरैक्ट है,
ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी भी चीजें सेल से बनी हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, अलाइक होगा, मतलब मिलता जुलता होगा, सेम होगा। थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंसेस रहेंगे लेकिन कैसा होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो कुछ चीजें हैं कॉमनली आपको सारे सेल्स के अंदर दिखाई देगी, अमाउंट कह सकते हैं कम ज्यादा होगा लेकिन आप देख रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड है, ये जो कुछ बेसिक चीजें है ये तो डेफिनेटली आपको सारे सेल्स के अंदर दिखाई देगी। ऐसा नो तो इससे कुछ इसेंशियल होंगे, कुछ नॉन इसेंशियल होंगे, मतलब ये सारी चीजें है जिसको हम आगे जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो बस यहां पर इतना सिंपल सा कहना है ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्लियर। देन अभी श्वान और शिल्डेन की जो सेल थ्योरी थी उस सेल थ्योरी के अंदर रुडोल्फ विर्को ने और एक चीज ऐड की, उसको मॉडिफाई किया और कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते, उसको ही हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो, कोई साइंटिस्ट ने दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि सेल्स अपने आप से बनते हैं, वैसे नहीं होता, ऑलरेडी वहां पर कोई एक सेल होती है और वो सेल से कोई दूसरी सेल बनती है, तो इसलिए हम कहते हैं ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर देखना है तो आप इसके अंदर देख सकते हो, ये देखो ये एक सेल है पहले, इससे दो सेल बन रही है, तो यहां पर ये पहली एक सेल होती है और इससे एक नई सेल बनती है, ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियसली यहां पर कुछ भी नहीं था और एक सेल तैयार हो गई और फिर उससे दूसरी बनी, नहीं, ऑलरेडी कोई एक सेल थी और उससे ही आगे की सेल बन रही है। तो आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि ऑलरेडी जो सेल थी वो कहां पर थी, उसके लिए हमें इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा जहां पर यूरे और मुल्लर ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था कि फर्स्ट सेल जो था वो कैसे अराइज हुआ था, क्लियर है, तो उसको हमें वहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई नई सेल आई है तो ऑलरेडी कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल थी उससे ही वो बनी है, क्लियर है। तो ये कुछ सेल थ्योरी के पोस्टुलेट से इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नाउ अब आपका टर्न है, जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपने समझा अच्छे से, अब इसका आंसर करो, देखते हैं आपसे क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते। और एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैं एक भी क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ डिस्कस नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन में किसी ना किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से उनको ही डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देखो हर क्वेश्चन के नीचे ये टैग रहेगा, अब यहां पर ये डीटीयू जो है ये उसका क्वेश्चन है। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब ये तो मैंने बताया नहीं, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है पहले से तो आप बताइए, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बी क्विक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। यस बी क्विक, सेकेंड रॉबर्ट हुके, ओके सेकेंड सेकेंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वर्षरानी, मृणल, कोमल, जूही, रूपल, किरण, भगवान, सुशील, फातमा, यशोदा, वेरी गुड, शुभ थर्ड, शुभ और विजेता ने क्यू कंफ्यूजन कर दिया, प्रियांशी सेकंड, वेरी गुड, लक्ष्मी प्रिया, ओके बहुत बढ़िया। नाउ अब कुछ लोगों ने थर्ड का है, तो जो क्रेडिट है डिस्कवरी ऑफ सेल का गोस टू रॉबर्ट हुके, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल ऑब्जर्व की थी एक्चुअल में वो सेल नहीं थी,
उन्होंने जो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था हेक्सागोनल, जो कि एक्चुअली प्लांट सेल की एम्प्टी सेल वॉल थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी। जो फर्स्ट सेल है मतलब लिविंग सेल जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वो एंटनी वैन लिवनवॉक ने देखा, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो वो किसको जाएगा? रॉबर्ट हुके। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर देखते हैं, क्लियरली आंसर है रॉबर्ट हुके। नाउ स्टे ट्यून्ड, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, और आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं कि आपने कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर कर दिया तो आपको कोई प्राइज मिलेगा। अपना क्वेश्चन आराम से पढ़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। और जब आपका गलत होगा तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको तब देना जब आपका गलत होगा, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपका कंसेप्ट सही तरीके से कराएगा। अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, अभी जो पढ़ा अब उस नॉलेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको एक बार देखो। चलो बी क्विक, अभी जो हमने पढ़ा उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बी क्विक, चलो। रूपल कह रहे हैं कि थर्ड है, सुश्री कह रही है थर्ड, वैष्णवी कह रही है थर्ड थर्ड। ओके ओके, तो सब लोगों को क्लियर, एकदम वेरी गुड, किसी ने भी गलत नहीं किया। यहां पर कोई तो आया दो कह रहा है, जूही कह रही है दो है, क्यों जूही? ओके, ऑलमोस्ट 99.99% लोग जो है वो थ्री कह रहे। क्या कह रहे? सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यस, अभी तो पढ़ा ओमनिस ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो ऑलरेडी श्वान शिल्डन ने थ्योरी दी थी, उसमें मॉडिफिकेशन किया था किसने? रुडोल्फ विर्को ने। तो यही था, क्लियर है? इसमें क्या कह रहा है? ऑल मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन ये सेल थ्योरी में नहीं कहा गया था, ये तो बात तो सही है, लेकिन क्या सेल थ्योरी में बात थी क्या? नहीं। सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट्स, ये भी आप भी नहीं थे। सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये भी नहीं कहा गया है यहां पर, क्लियर है? देन इसका आंसर देखते क्या? यस, यू गाइज आर राइट, थर्ड आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है? आईआईटी जाम बायोलॉजिकल साइंस 2014 का क्वेश्चन है, एक मार्क आपको मिल गया। आईआईटी जाम बायोलॉजिकल साइंस का 2014 का क्वेश्चन है, मतलब आपने नेशनल लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन यू कर दिया, बस 5 मिनट भी नहीं पढ़ा सेल थ्योरी क्या है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारी स्पेशलिटी है कि उतना ही पढ़ेंगे जिससे अपना क्वेश्चन बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बी एच यू का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं हो तो उसको हम कहते हैं बी एच यू, टॉप 3 रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर की, तो उसका क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। बी क्विक, सेल थ्योरी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सेल थ्योरी के अंदर सब कुछ आता है एक्सेप्ट, यस, कुछ लोग कह रहे फर्स्ट फर्स्ट, कुछ लोग कह रहे फोर फोर फोर, टू कह रहे कुछ लोग। सेल थ्योरी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है आपको। देखो, सेल्स अराइज बाय, फर्स्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इसको सेल थ्योरी स्टेट करता है क्या?
वो भी देखना पड़ेगा। सेल इज द मोस्ट प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, सही है। द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सेल से रिस्टेट करता है। सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस ये भी सही है। अब सेल थ्योरी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या होगा इसका सही सेकेंड, यस। जिन लोगों ने सेकेंड किया है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट नहीं हो सकता। जैसे हमें पता है वन सेल मतलब यूनिसेलुलर और मिनी सेल्स मतलब मल्टीसेलुलर, क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद एक बहुत सिंपल टॉपिक है और कुछ टाइम के लिए पढ़ना है और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बिलीव मी, आप जुड़े रहो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, मतलब तो इतने कम पढ़ने से इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या, तो बस जुड़े रहो, आराम से धीरे से समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमने अब तक सेल थ्योरी पढ़ा, उसके तीन क्वेश्चन सॉल्व किए और ऑलमोस्ट तीनों आपके सही आ गए और सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। ओके, देन नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को एक्सेप्शन हम देखते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, मतलब जो सेल थ्योरी को ओबे नहीं करते, जैसे रजनीकांत जो है वो एक्सेप्शन हर चीज के लिए। हम देखते हैं ना मूवीज में, ऐसा लाइफ में हम कहते हैं रजनीकांत तो एक्सेप्शन है, उनको हम ह्यूमन कंसिडर नहीं करते, वो तो सुपर ह्यूमन है ना। तो वैसे यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है वायरसेस। वायरसेस जो है उनको अगर आप देखोगे तो जो कंप्लीट वायरस होता है, ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल कॉल्ड ए वीरियन, तो कंप्लीट वायरस पार्टिकल है उसको वीरियन। बहुत सारे लोग कहते हैं वायरस और वीरियन, वो कहते हैं कि दो अलग अलग है, लेकिन जो कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं वीरियन। तो आप पूछोगे कि सर वायरस इनकम्प्लीट कब होता है, जब वायरस सेल के अंदर जाता है, उसका डीएनए जब इंटीग्रेट करता है उस सेल के अंदर, तो वहां पर हो सकता है कि वायरस की कंप्लीट असेंबली वहां पर ना हो, क्लियर है यहां पर। देन सेकेंड जो है, वायरस जो है कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए एनक्लोज इन अ कोट प्रोटीन। ऑलवेज रिमेंबर, वायरस के अंदर एक ही साथ आरएनए एंड डीएनए दोनों नहीं होते। ये आइदर का मतलब आप समझते हो यहां पर, मतलब या और कहा है यहां पर, या तो डीएनए होगा या फिर उसके अंदर आरएनए होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा डीएनए आधा आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, क्लियर है। तो हम कहते हैं, आगे जगह हम डिस्कस करेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पास होता है वो होता है डीएनए। लेकिन एक्सेप्शनली वायरसेस ऐसे होते, कुछ वायरसेस ऐसे होते जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड इज सारे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, स्पेशली अगर हम प्लांट वायरसेस की बात करें तो। फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे। वायरसेस कैन एग्जिस्ट इन टू फेजेस, दो फेजेस में वायरस रह सकते हैं। तो एक फेज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरी जो है इंट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द होस्ट। तो वायरस के लिए होस्ट क्या है, वायरस के लिए होस्ट ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है। अगर वो उनके अंदर रह रहा है, इनसाइड द होस्ट है, तो इनसाइड द होस्ट होगा तो हम उसको कहेंगे इंट्रा मतलब इनसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द होस्ट, इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड द होस्ट, यस और नो। और हम कहते हैं कि वायरस तब एक्टिव होता है जब वो इनसाइड द होस्ट होता है, इंट्रा सेलुलर होता है तो वो एक्टिव होता है,
अदरवाइज वो इनएक्टिव होता है, उसको हम डेड कंसिडर करते हैं आउटसाइड द होस्ट, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर है तब हम कहते हैं. क्लियर है? देन नेक्स्ट, वायरसेस कैनॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल. ऑब्वियस थिंग है, आउटसाइड द सेल वायरसेस को हम डेड कंसिडर करते हैं. रफली अगर बात करें तो हम उसको डेड कंसिडर करते हैं, इसलिए वो आउटसाइड द सेल लिविंग सेल वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि अपना नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते. क्लियर यहां तक? देन आपको अगर देखना है तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है, यहां पर देख सकते हो ये एनवलप है. क्या है एनवलप, आगे जाके डिस्कस करूंगा. ये कैप्सिड दिख रहा है आपको, इसकी कुछ सिमेट्री है, तो ये कैप्सिड है, इसके अंदर वायरस का जीनोम है, और ये वायरल जीनोम आरएनए भी हो सकता है या ये वायरल जीनोम डीएनए भी हो सकता है. क्लियर? यहां पर कुछ एंजाइम्स भी है. यहां तक बातें क्लियर हो गई? देन वायरसेस कैन इन्फेक्ट आइदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि वायरसेस सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करते हैं या फिर सिर्फ यूकैरियोटिक को इन्फेक्ट करते हैं, वो प्रोकैरियोटिक को भी इन्फेक्ट करते हैं. ये क्लियर है, आपको अच्छे से इसको समझना है. देन नेक्स्ट जो है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, फाजेस और फाजेस. मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, इसलिए क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफाज, या इन जनरल सिंपल टर्म में कहेंगे फाज. ऐसो नो. जैसे नेक्स्ट जो है, वायरसेस इन्फेक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट एनिमल प्रोटिस्ट फंजाई. इंटेंशनली ये लाइन मैंने यहां पर रखी है क्योंकि फिर आपको यूकैरियोटिक में कंफ्यूजन होता है कि यूकैरियोटिक में सिर्फ प्लांट को ही करता है या एनिमल्स को करता है. तो यूकैरियोटिक में जो प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई आते हैं, उनको भी वायरसेस इन्फेक्ट करते, फंजाई को भी वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे. तो ये इसको अंडरलाइन करके रखो और अच्छे से ध्यान में रखना, ऐसा भी होता है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है. ये देखो इस तरीके से वायरस जो है ये सेल है और उस सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ये जो है, ये देखो अपना डीएनए जो है ये अब इंजेक्ट करेगा सेल के अंदर. ये देखो इस तरीके से ये वायरस का डीएनए जो है अब ये जा रहा है कहां पर, सेल के अंदर गया. देखो ये वाला, यहां से ये जो जेनेटिक मटेरियल है अब इन्फेक्ट कर दिया, पहले अटैचमेंट हो गया, अब ये जेनेटिक मटेरियल पास कर, ये देखो डीएनए या आरएनए जो भी होगा वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा, सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा. दिस इज नॉट द ओनली मोड, देर आर अदर टू मोड्स बाय विच वायरस कैन एंटर इनसाइड द सेल. इन सम केसेस अ कंप्लीट वायरस इज एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल. ऐसा नहीं कि यहां तो सिर्फ डीएनए इंजेक्ट किया है, दूसरे केस में पूरा वायरस जो है सेल के अंदर जा सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. वायरस की साइज जो होती है वो 10 टू 400 नैनोमीटर होती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 10 टू 400 नैनोमीटर. अब कुछ वायरसेस जो है जो लार्ज साइज के हैं, वो तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं, लेकिन बाकी वायरसेस को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. तो इंटरव्यूअर जो है, आप तो बड़े सारी चीजें पढ़ के जाते हो, ये टेक्निक वो टेक्निक पढ़ लिया, बहुत बड़े बड़े टेक्निक पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, लेकिन सिंपल सा आपको पूछते हैं कि आप वायरसेस को कैसे देखेंगे, तो आप कहते हैं सर माइक्रोस्कोप के नीचे. कभी नहीं. मोस्ट ऑफ दी वायरसेस को या ऑलमोस्ट सारे वायरसेस को आपको कहां पर देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे. लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आप नहीं देख सकते. क्लियर है? तो ये साइज जो है उसको आप ध्यान में रखना. कुछ वायरसेस है जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. अब देखो ना, लेस देन अ सेल, वायरस सेल से थोड़ा सा कम स्ट्रक्चर है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर रहा है. आउटसाइड द होस्ट सेल वो डेड है और इनसाइड द होस्ट सेल वो लाइव है, इसलिए हम कह रहे हैं
कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने के लिए एटलीस्ट सेल इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वायरस इस कैटेगरी में नहीं आता, वायरस का खुद का कोई वजूद नहीं है, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड है। होस्ट मिलेगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, होस्ट नहीं मिलेगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। नाउ वीरियंस हैविंग एन एनवलप आर कॉल्ड एज एनवलप वायरस। दो मेन तरीके के वायरस होते हैं, एक होते हैं एनवलप्ड वायरस और दूसरे होते हैं नॉन एनवलप्ड वायरस। तो जिनके पास एनवलप नहीं है, लैकिंग एन एनवलप, आर कॉल्ड एज, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एनवलप्ड वायरस। ये देखो आप, इसको हम कह रहे नेकेड वायरस। नेकेड वायरस क्यों? क्योंकि इसके अराउंड ये एनवलप नहीं है, ये जो आप एनवलप देख रहे हो ये एनवलप इसके पास नहीं है, इसलिए नेकेड वायरस है। और इसके पास एनवलप है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एनवलप्ड वायरस। तो बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक मेजर डिफरेंस यहां पर आता है, एक के पास एनवलप है और दूसरे के पास एनवलप नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेकेड एंड एनवलप्ड वायरसेस। क्लियर? तो सिंपल सी बात है। और ये आपको दिख रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कंप्लीट स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो यहां पर ये कैप्सीड है, हेड है, और ये कैप्सीड और हेड जो देखने को मिलता है वो मेनली किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है ये, प्रोटीन से बनता है। क्लियर? इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ये कॉलर है, देख रहे हो यहां पर ये कॉलर। उसके बाद ये शीट का स्ट्रक्चर है, ये शीट है, ये जो आपको दिख रहे टेल फाइबर्स है, ये जो सारे दिख रहे टेल फाइबर जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। यहां पर टेल पिंस है ये वाली, एंड ये बेस प्लेट है। तो ये आपको दिख रहा है कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर, जिसको हम वीरियन भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्लियर है? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वायरस को हम सेल नहीं मानते, उसको हम क्या कहेंगे, असेलुलर। क्लियर? अब आप कहोगे सर इतनी सी बात बतानी थी, आपने इतना सब कुछ क्यों बताया? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्यों दी, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। सिंपल सी चीजें, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो इसलिए मैंने यहां पर ये सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट, वायरल जीनोम जो है, वायरसेस आर एक्सेप्शनली डाइवर्स विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ जीनोम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, चाहे आप ह्यूमंस को लो, ह्यूमंस, एलिफेंट, माउस, मंकीज, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। फिर वो कैसा भी हो, लीनियर हो, सर्कुलर, वो डीएनए है। और हम कहते हैं कि अगर सबसे कोई कंजर्व्ड चीज होगी तो हम कहते हैं कि डीएनए है, क्योंकि वही तो एक चीज है, बाकी कुछ नहीं ट्रांसफर होने वाला, डीएनए ही है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए हमने उसको बहुत कंजर्व्ड रखा है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है कि जो वायरसेस है उन वायरसेस का जो जीनोम होता है उसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जबकि जहां पर बिल्कुल भी डाइवर्सिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन वहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लियर? और ऐसा क्यों, ये भी आपको मैं बता दिया। अब इसमें क्या, तो देख सकते हो आप, ऑल फोर पॉसिबल न्यूक्लिक एसिड टाइप्स आर प्रेजेंट इन वायरसेस। चार पॉसिबल तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स वायरस के कैप्सिड में हो सकते हैं। कौन से, वायरस का जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है,
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। एक ही वायरस का चारों नहीं होगा, लेकिन हाँ एक वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, दूसरे का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, तीसरे का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया, तो चौथे का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको देखा जा सकता है। लेकिन जो एक तरफ हो गए वायरसेस और दूसरी तरफ जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको एज अ जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा। मतलब वहां पर बिल्कुल भी डायवर्सिटी नहीं है, लेकिन यहां पर ये डायवर्सिटी है। अब इसमें अगर बात करें तो ये चारों जो है, ये चारों जो है ये एनिमल वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं। अब एनिमल वायरसेस किसको कहेंगे? ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो वायरसेस होते हैं, प्लांट के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। क्लियर है? तो ये वेरिएशन देखा जा सकता है यहां पर, लेकिन ये मत कभी कंफ्यूज होना कि एक ही वायरस के अंदर ये चारों टाइप के जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई देते, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? देन जीनोम में भी आइदर लीनियर और सर्कुलर, स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि वायरस का जीनोम हमेशा सर्कुलर होता है, वायरस का जीनोम हमेशा लीनियर होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम कह सकते हैं आराम से ह्यूमन जीनोम इज लीनियर, बैक्टीरिया के लिए भी कह सकते बैक्टीरियल जीनोम इज सर्कुलर, लेकिन वायरसेस के लिए आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वायरसेस का जीनोम जो है वो लीनियर है या सर्कुलर है। वो लीनियर भी हो सकता है और वो सर्कुलर भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? देन नेक्स्ट जो है वीरियोइड्स। तो हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया, वीरियड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझो, बहुत इजी है, सिंपल है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बहुत मजा आएगा, बिलीव मी। हम पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब आराम से यहां पर पढ़ो। क्लियर है? तो फर्स्ट वीरियड्स क्या होते हैं? वीरियड्स आर इंफेक्शियस एजेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली आरएनए, सिर्फ आरएनए होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसको हम कहेंगे वीरियड्स। वीरियन, देखो एक टर्म, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक टर्म है वीरियन, यानी कि क्या? कंप्लीट वायरस। ये क्या है? कंप्लीट वायरस। वायरॉइड्स यानी कि इंफेक्शियस आरएनए, ओनली आरएनए और इंफेक्शियस आरएनए। क्लियर? तो ये आरएनए जो है वो कैसे होते हैं? तो वायरॉइड्स आर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर आप इसको ऐसे सर्कुलराइज करोगे, ठीक है, सर्कुलराइज कर दिया, अभी भी ये सर्कल आप देख रहे हो यहां से ओपन है। अगर मैं इस सर्कल को जोड़ दूं, मतलब मैंने इस सर्कल को क्या किया? क्लोज्ड किया, तो क्या हो गया? अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सर्कुलर हो गया, क्लोज्ड हो गया, और जब ये क्लोज हुआ तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना? तो कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसलिए हमने कहा कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बिल्कुल भी आपको यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से लॉजिक के साथ आप कह सकते हो कि इसको कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों कहा गया है। समझ गए यहां तक? सिंपल है बिल्कुल भी। क्लियर? सर यू आर रियली ओके, थैंक यू सागर सर, बायोलॉजी ट्यूटोरियल, इट इज माय प्लेजर, आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। ओके, क्लियर यहां तक? देन नेक्स्ट जो है, अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है
इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 250 टू 370 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बस 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। अब बहुत, बस जितनी बातें बता रहा हूं तीन चार सेंटेंस उतने ही ध्यान में रखने और समझने आपको, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्लियर है? बात करें किसकी? वायरॉइड्स की। अब इसमें देखोगे सम वायरॉइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ इंफेक्टेड होस्ट सेल। हम कह रहे कि न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस है। न्यूक्लियोलस इज द रीजन इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर रीजन होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो सम वायरॉइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल वेयर बिटवीन 200 to 10,000 कॉपीज मे बी प्रेजेंट। अब साइज अगर स्मॉल है, इतनी सी छोटी साइज है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में ऐसे बहुत सारे वायरॉइड्स की कॉपी वहां पर प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर यहां तक? वेरी गुड, ध्यान रखना। अदर्स आर लोकेटेड विद इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसको मोर प्रॉब्ली कह सकते हैं कि मे बी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली The RNA of viroids does not encode any gene product. मतलब अब सोचो आप, infectious तो है लेकिन interestingly उसके अंदर जो जीनोम है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। Yes or no? अब इससे और marvelous क्या हो सकता है? तो यही बात है, ये वाला देखो, ये ऐसा वायरस का स्ट्रक्चर है। कहीं पर ये लेफ्ट टर्मिनल डोमेन होता है, राइट टर्मिनल डोमेन होता है, ये वेरिएबल डोमेन होता है, मतलब हर वायरस से वायरस ये वेरिएबल होगा। सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन है और पैथोजेनिक डोमेन है। इसमें से एक भी बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, ये स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज हो, आपके माइंड में पिक्चर बने वायरस की, इसलिए स्ट्रक्चर दिखाया है। ये देखो आप, यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये वाला, तो मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने कहा था इसको, लेकिन कहीं जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसके लिए बेस पेयरिंग हो सकती है। तो ये बस विजुलाइज हो, नहीं तो आप मुझे पता लगे बाद में कि आप रट रहे हो, ये वाला नहीं रटने की जरूरत, यहां तक क्वेश्चन जाता ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के टाइम पे। प्लांट जो है, अ प्लांट मे बी इंफेक्टेड विद वायरस विदाउट शोइंग सिम्टम्स। और आजकल तो इससे मतलब परफेक्ट एग्जांपल, हमसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा होगा, मतलब हम आज बड़े नॉर्मल दिख रहे हैं, हमें क्या पता हमारे अंदर कोरोना पल रहा है। कोरोना भी तो ऐसा ही ना, असिम्टोमेटिक, मतलब आपको होके भी चला गया होगा तो भी आपको पता नहीं चलता। तो यही ना कि कोरोना हमारे अंदर आ भी गया और चला भी गया, हमें पता ही नहीं चला। और बाद में जो हमने ब्लड एनालिसिस किया तो पता चला कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे ब्लड में थी, मतलब वो आके चला भी गया, हमें पता भी नहीं है। तो सेम वैसे ही कह रहे कि विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स वायरस जो है वो वहां पर रह सकते हैं। हाँ, हालांकि सम वायरस इन अनदर होस्ट स्पीसीज मे कॉज सीवियर डिजीज। यस, कोरोना भी तो यही कर रहा है, तो कोरोना को हम कोरिलेट कर सकते हैं। यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर वो सिम्टम्स दिखा रहा है, उनकी डेथ करा रहा है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको होके चला नहीं जाता है और कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल से सर्दी खांसी भी नहीं आती उसको। यस और नो? देन वायरसॉइड्स, देखो अभी तीन टर्म पड़े जो कंफ्यूजिंग आपको लग रहे होंगे, वीरियन कंप्लीट वायरस, वायरॉइड्स ओनली इंफेक्शियस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसॉइड्स। देखो वायरसॉइड्स, समझ रहे हो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वायरसॉइड्स फॉर्मरली आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट आरएनए, पहले पुराने जमाने में इनको सैटेलाइट आरएनए कहते थे वायरसॉइड्स। अब ये क्या कह रहे, सिमिलर टू वायरस, ओके कोई दिक्कत नहीं हमें, इन दैट दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर सिंगल एंड आर एन ए मॉलिक्यूल्स विद रीजन कैपेबल ऑफ इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। जैसे वहां पर मैंने आपको कहा था कॉम्प्लीमेंट रीजन, इसलिए बेस पेयर करता होगा।
यूरिसॉइड्स भी सिमिलर होते हैं वायरॉइड से, इस सेंस में, उस सेंस में जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो कोवेलेंटली क्लोज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उस सेंस में। अब यूरिसॉइड का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे इन कॉन्ट्रास्ट टू यूराइड्स, कॉन्ट्रास्टिंग देख रहे हैं, दे एनकोड वन और मोर जीन प्रोडक्ट, जबकि वायरॉइड्स बिल्कुल भी किसी जीन प्रोडक्ट को कोड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर यूरिसॉइड जो है वो जीन प्रोडक्ट को कोड कर रहे हैं, वन और मोर, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो यहां पर एनकोड कर रहे हैं। क्लियर? देन दे नीड ए हेल्पर वायरस टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेले खुद से इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इनको किसी और दूसरे वायरस की जरूरत है ताकि वो जाके इन्फेक्ट करे। जैसे मलेरिया पैरासाइट होता है जो हमें खुद से आके, खुद से उठ के हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए फीमेल मॉस्किटो चाहिए, सेम उसी तरीके से यहां पर वायरसाइड जो है वो अकेले इन्फेक्शन नहीं कर सकते, उनके हेल्प के लिए कोई हेल्पर वायरस चाहिए। तो वायरस को बिना काम का विलन बनने की जरूरत नहीं, वो भी किसी और की हेल्प कर रहे हैं, वायरसाइड की हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ह्यूमन हेपेटाइटिस डी वायरसाइड। ध्यान रखना वर्ड, अब हमें वहां पर जब क्वेश्चन पढ़ रहे तो हेपेटाइटिस डी वायरस भी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी डी वायरस की जगह वायरसाइड आ गया, तो अब आप उसको वायरस नहीं कंसिडर करेंगे, आप उसको वायरसाइड कंसिडर करेंगे। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 1700 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो क्या ये जो हमारे वायरस थे उनसे ज्यादा है, बड़ा या छोटा है? ऑब्वियसली उससे बड़ा है, उसकी लेंथ जो थी वो 250 to 400 लॉन्ग थी, यहां पर ये 1700 के आसपास है। क्लियर है यहां पर? अब ये कुछ यहां पर क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर कुछ है क्या? ओके, तो क्या क्वेश्चन है? प्लस दैट डायरेक्टली एंटर इनटू द जीन विन माय वाइल माइनस रिक्वायर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ये डिस्कस करने लगा प्लस एंड मतलब पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस का डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कुलदीप मिश्रा, पहली बार मुझे सेल बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगा। ओके, मोस्ट वेलकम कुलदीप। हाउ वायरस कोड इन ए डिजीज इफ नॉट ट्रांसलेटेड ऑन प्रोटीन? शकील, वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं उसका अभी तक एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें पता नहीं चला है, लेकिन वो मतलब जिस तरीके से वो वहां पर आते हैं, किसी भी होस्ट में आते हैं, तो वहां पर वो इसको इन्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब वो होस्ट के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को यूज कर सकते हैं, खुद के नहीं बना रहे इन होस्ट की यूज कर सकते हैं। ओके ओके, चलो कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा है यहां पर। यहां पर सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। इट यूजेस हेपेटाइटिस बी वायरस एज इट हेल्पर वायरस। मैंने कहा था ना, वायरसाइड्स को इन्फेक्शन करने के लिए किसी और वायरस की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर जो हेपेटाइटिस डी वायरसाइड है वो किसकी हेल्प ले रहा है? हेपेटाइटिस बी वायरस की हेल्प ले रहा है। क्लियर? नाउ ये देखो, ये हमारा वायरसाइड जो है वो है, और यहां पर हेल्पर वायरस है, वो सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं और रेप्लिकेशन करके न्यू वायरसाइड बन रहा है। तो ये वायरसाइड है, ये हेल्पर वायरस है, होस्ट सेल को इन्फेक्शन करने के लिए हमें हेल्पर वायरस की जरूरत है। ये वायरसाइड और हेल्पर वायरस की यहां पर होस्ट सेल को इन्फेक्शन कर दिया, और इन्फेक्शन करके वायरसाइड ने अपना खुद का रेप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स। तो अभी तक हमने तीन एक्सेप्शन पढ़े, एक वायरस, दूसरा हमने पढ़ा वायरॉइड्स, थर्ड हमने पढ़ा वायरसाइड्स, फोर्थ एक्सेप्शन हम पढ़ रहे सेल थ्योरी को, दैट इज प्रियॉन्स। हम ये कह रहे हैं कि दीज आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरीज, इनको हम सेल नहीं मानते। क्लियर है? अब आराम से इसको समझने की कोशिश करो, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, हर डाउट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट,
prions for the for proteinaceous infectious particle. Proteinaceous infectious particle cause a variety of neurodegenerative disease in human and animals. Humans के अंदर and animals के अंदर neurodegenerative neurons का जो degeneration करवाते हैं, जिनका target neuron होगा उनको हम यहां पर कहेंगे prions. तो ये neurodegenerative disease cause करते हैं. prions जो है वो क्या है, proteinaceous infectious particles. viroids अगर RNA infectious particle है तो prions जो है वो proteinaceous infectious particle है. तो prions को कैसे, viroids और prions के अंदर differentiation करना है तो proteins prions ऐसा करो, prions proteins, तो infectious proteins prions. viroids के अंदर RNA genetic material होता है तो viroids RNA, इस टाइप का कंपेयर करो. infectious RNA viroids, infectious proteins तो हम कहेंगे prions. तो ये infection proteins होते हैं. अब ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, एक फेमस डिजीज है शीप के अंदर जो कि स्कैपरी, स्क्रैपी डिजीज जो है शीप के अंदर वो कॉज करते कौन, प्रियंस. स्क्रैपी इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेलुलर प्रोटीन. मतलब क्या होता है स्क्रैपी, क्यों होता है, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से उन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अल्टर होता है. स्ट्रक्चर अल्टर होगा तो पर्टिकुलर फंक्शन जो प्रोटीन करते थे वो नहीं होगा और उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, डिजीज हो सकता है. तो इंफेक्शियस प्रोटीन मतलब यहां पर सिंपल तरीके से एक प्रोटीन जो नॉर्मल सेलर प्रोटीन थे उनको चेंज करवा रहा है, उनका स्ट्रक्चर अल्टर करवा रहा है, इसलिए हम उनको कह रहे हैं क्या, इंफेक्शियस प्रोटीन. तो यहां पर सिंपली कहा है ना, यहां पर क्या कहा है, स्क्रैपी इज कॉज बाय एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेलुलर प्रोटीन. अब इसमें देख सकते हो आप, द एबनॉर्मल फॉर्म इज कॉल्ड PRPSC फॉर स्क्रैपी एसोसिएटेड प्रायन प्रोटीन. एससी जो है वो कह रहा है स्क्रैपी एसोसिएटेड प्रायन प्रोटीन. तो PRPSC ये कैसा प्रोटीन है, तो ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन है. ये जो नॉर्मल प्रोटीन हमारे सेल के अंदर होता है, नॉर्मल प्रोटीन वो होता है PRPC. नॉर्मल प्रोटीन कौन सा होता है, PRPC. तो ये PRPC जो है नॉर्मल है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PRPSC के अंदर. और इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट ये PRPSC करवाता है, SC करवाता है. देखो यहां पर तो सिंपल से ऐसा कह सकते हैं, इसमें इविडेंस सपोर्ट्स अ मॉडल इन विच एंट्री ऑफ PRPSC इनटू द ब्रेन ऑफ एनिमल कॉजेस द PRPC प्रोटीन टू चेंज फ्रॉम इट्स नॉर्मल कंफर्मेशन टू द एबनॉर्मल फॉर्म. यानी कि सिंपल तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली PRPC फॉर्म थी, ओके जब वहां से प्रियंस की एंट्री हुई, इंफेक्शियस प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन उनकी एंट्री हो गई, तो PRPSC थे वो, तो उन PRPSC ने हमारे जो नॉर्मल PRPC थे उनको मॉड्यूलेट कर दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया किसमें, PRPSC में, और उसकी वजह से क्या हो गया, डिजीज हो गया. देखो कैसे, इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. तो ध्यान से देखो, ये देखो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है बोथ नॉर्मल प्रोटीन जिनको हमने कहा है NP, तो ये नॉर्मल प्रोटीन है NP, क्लियर है, एंड एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन जिनको हमने कहा है PP, क्लियर है. तो ये आपको PP दिख रहे हैं, ये एबनॉर्मल प्रोटीन है, इसको नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन. एक नॉर्मल प्रोटीन है और एक प्रायन प्रोटीन है. स्टेप वन क्या है, एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन इंटरेक्ट्स विद द नॉर्मल प्रोटीन.
आप देख रहे हो ये प्रायोन के प्रोटीन जो है ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रायोन प्रोटीन है और ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहां पर इंटरेक्शन हो गया, ये देखो ये पीपी है प्रायोन प्रोटीन और ये नॉर्मल प्रोटीन, ये इंटरेक्शन हो गया। स्टेप टू में क्या होता है, नॉर्मल प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू द एबनॉर्मल प्रायोन प्रोटीन। तो ये जो बाइंडिंग हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आया, ये देखो कन्वर्टेड टू एनपी। तो ये प्रायोन प्रोटीन ने इस पीपी ने क्या कर दिया, एक जो नॉर्मल प्रोटीन था ये वाला, इस नॉर्मल प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रायोन प्रोटीन ने पीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो पी आर पी सी थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, पी आर पी एस सी के अंदर। और ऐसा किसने करवाया, ऐसा करवाया पी आर पी एस सी खुद ने, यहां पर आप देख रहे हो। और थर्ड जो है यहां पर उसको तो और क्लियरली देख सकते हैं, देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये ओरिजिन पीपी था इसने कन्वर्ट कर दिया किसको, इसके अंदर पीपी के अंदर। तो थर्ड एंड फोर्थ एबनॉर्मल प्रायोन प्रोटीन कंटिन्यू टू इंटरेक्ट विद नॉर्मल प्रोटीन्स अंटिल दे कन्वर्ट ऑल ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन टू द एबनॉर्मल प्रोटीन। तब तक वो नॉर्मल प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे जब तक सारे नॉर्मल प्रोटीन प्रायोन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते पीपी में। ये देखो पहले इतना सारा अमाउंट था नॉर्मल प्रोटीन का, अब कितना रहेगा देखो, अब प्रायोन प्रोटीन का नंबर क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि एक नॉर्मल प्रोटीन था वहां पर एक एबनॉर्मल प्रोटीन आ गया और एबनॉर्मल प्रोटीन ने नॉर्मल प्रोटीन को क्या कर दिया, यहां पर कन्वर्ट कर दिया। हम कहते हैं ना कोई मेरा दोस्त था यार बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ता था, मतलब बहुत अच्छी मार्क्स आते थे उसके, हर क्लास में टॉप करता था, लेकिन उसके साथ एक खराब दोस्त जुड़ गया, उसकी दोस्ती जो है एक खराब इंसान से हुई, अब उसकी उसे पढ़ना छोड़ दिया, वो फेल होने लगा। मतलब क्या किया उस खराब इंसान ने, उस अच्छे दोस्त को क्या कर दिया, मॉडरेट कर दिया, उसको भी क्या बना दिया, खराब कर दिया। क्लियर है, और यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो ध्यान रहे कि आपकी लाइफ में कोई प्रयोन नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ दिस पी आर पी एस सी कॉजेज दिस कंफर्मेशनल चेंज इज अनक्लियर, ये कंफर्मेशनल चेंज कैसे होता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। डिजीज कॉज बाय प्रियॉन लिस्ट है, ध्यान रखना इसको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आपका फायदा होगा। प्रियॉन्स कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो एक डिजीज है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE और मैड काउ डिजीज। क्लियर है, देन सेकेंड जो है वो है द ह्यूमन डिजीज कुरू पैटल फैमिलियल इंसोमिया, ध्यान रखना कुरू जो है प्रियॉन्स की वजह से होता है। मैड काउ डिजीज स्क्रैपी एंड फैमिलियल इंसोमिया, ये सारे डिजीज किसकी वजह से होते हैं, प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। थर्ड क्रूट्स जेब द क्रूट्सफेल्ट जैकॉब डिजीज CJD जिसको कहते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, प्रियॉन्स की वजह से होता है। फोर्थ जो है जर्स्टेमन स्ट्रेसलर श्नाइकर सिंड्रोम GSS, ये भी क्या है, प्रियॉन्स की वजह से कॉज होता है। देन ऑल रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ब्रेन एंड इवेंचुअल डेथ, प्रियॉन्स की इंफेक्शन की वजह से न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है और उसका जो अल्टीमेट आउटकम है, फाइनल आउटकम जो है वो क्या है, डेथ। क्लियर यहां तक। देन फिफ्थ जो आता है वो है RBCs एंड सीव ट्यूब सेल्स, RBCs एंड सीव ट्यूब सेल्स। तो RBCs में अगर आप देखोगे जो मैच्योर RBCs होती है उन मैच्योर RBCs के अंदर से न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है,
मैच्योर आरबीसी मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि हमें पता है आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर। देन जो सीयू ट्यूब सेल्स है, उन सीयू ट्यूब सेल्स के अंदर आप देखो दोनों भी लिविंग सेल है, आरबीसी भी लिविंग है, सीयू ट्यूब सेल्स भी लिविंग है। सीयू ट्यूब सेल्स एक दूसरे को जोड़कर, एक सीयू ट्यूब दूसरे को जोड़ के क्या बनाती है, सीयू प्लेट बनाती है, और यहां से ये कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर। तो ये हमारे हो गए एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्लियर यहां तक? माधुरी चौहान सर, इज देयर एनी कंपोनेंट प्रेजेंट विच कन्वर्ट द नॉर्मल टू एबनॉर्मल प्रायोन? नहीं, नॉर्मल प्रोटीन को कुछ इंफेक्शियस प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट करते हैं प्रायोन्स के अंदर, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन के अंदर, उसको हम कहेंगे प्रायोन्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? देन गौरांग कह रहा है सर एक गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लेके सिखाओ, इफ पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब क्वेश्चन की बारी है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। चलो फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस इज, अब जितना भी पढ़ा इमीडिएटली इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बीएचयू का क्वेश्चन है, तो बी क्विक आंसर करो। चलो बी क्विक, कुलदीप मिश्रा ब्लड में सिर्फ आरबीसीज नहीं होती, आरबीसीज के अलावा डब्ल्यूबीसीज भी होती है, जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, उसमें यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बहुत सारी सेल्स होती है, उनका तो न्यूक्लियस होता है, सिर्फ एक आरबीसी के भरोसे थोड़ी बैठते हम। ठीक है, तो सिंपल है। चलो क्या बताया, 3 3 3, ओके सब 3 कह रहे, सारे लोग 3 कह रहे। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आइदर डीएनए और आरएनए। क्लियर है, सिंपल है, वेरी गुड। चलो किसी का भी गलत नहीं हो गया, वेरी गुड। नम्रता जिया, कैसे आपने गलत किया, 4 का 4 कैसे हो गया, वो डीएनए और आरएनए, एक ही वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए हो सकता है क्या? ये एक वायरस है, क्या इसके अंदर यहां पर डीएनए है और क्या यहां पर आरएनए होगा, क्या एक डीएनए और आरएनए, ऐसा नहीं होता। हाँ, आरएनए की मोर देन वन कॉपी हो सकती है, मतलब ये एक आरएनए है और ये दूसरा आरएनए है, तो हम कह सकते हैं ऐसे, अगर दो कॉपी होगी आरएनए की तो कह सकते हैं इस वायरस का जीनोम जो है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड जीनोम है, ऐसा कह सकते हैं। चलो वेरी गुड, परफेक्ट, सब लोगों ने अच्छा किया है, 3rd इसका आंसर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, बी रेडी, क्या कह रहे हैं 4th क्वेश्चन में, इंफेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इम्प्लांट्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्रोटीन, इंफेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए implant that are not associated with any protein are called, इनको हम क्या कहेंगे, be quick। अब ऐसा लिखिए, जब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो 5 का 1 2 3 या 4 ऐसा लिखिए, 5 का 1 5 का 2 5 का 3 या 5 का 4, इसमें से कौन सा है, इसको क्या कहेंगे, सेटेलाइट आरएनए, सेटेलाइट आरएनए को ही हम क्या कहते हैं, virusoids, formerly हम उसको सेटेलाइट आरएनए कहते थे।
व्यूरॉइड्स, वायरसेस या प्रियॉन्स। इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम क्या कहेंगे? तो बी क्विक, चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। यस बी क्विक, तीन क्यों कह रहे सब लोग? फाइव का टू ओके, सब लोग यूरेडिस कह रहे टू। मेरोडियस गलत हो गया आपका, कैसे बेटा ऐसे कैसे हो रहा है? यस निशा वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, मोंटी, जूही, कुलदीप गलत हो गया बेटा, एक बार फिर से पढ़ो। हरीश वेरी गुड, लता टिपटॉफ गलत हो गया, फातमा वेरी गुड, कृतिका वेरी गुड, यस राठौड़ अरुण वेरी गुड, गुड प्रियंका, संजय वेरी गुड, मृणल यस ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको क्या बताया था मैंने, कैसे याद रखना, सॉरी ये नहीं, सेकंड, कैसे याद रखना है? प्रायंस जो है प्रोटीन, प्रायन प्रोटीन, इंफेक्शियस प्रोटीन प्रायंस, इंफेक्शियस आरएनए वायरॉइड्स, वायरॉइड्स या वायरॉइड जो होते हैं वो आरएनए होते, इंफेक्शियस आरएनए। वायरस का जुनम क्या हो सकता है? आरएनए भी हो सकता है, तो उससे याद रखो कि वायरॉइड्स। क्लियर? चलो ऑलमोस्ट सबने सही कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। क्लियर? शुभम गलत हो गया बेटा, ऑप्शन थर्ड नहीं सेकंड है। मिनाती नायक, सर आपके लेक्चर से ऐसा नेट के लिए भी सारे सिलेबस जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या? सारे तो नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट हो जाएंगे, 90% तो डेफिनेटली सॉल्व होंगे होंगे। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्विक, सिक्स क्वेश्चन। कुर्ट स्टेफेल्ट जैकोब डिजीज रिजल्ट्स इन रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया लीडिंग टू मेमोरी लॉस, पर्सनैलिटी चेंजेस एंड हेलुसिनेशन इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्वेश्चन है ये, कौन कॉज करता है ये डिजीज? अभी जस्ट मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी देख क्या है। यस तो सिक्स का आंसर क्या होगा? सिक्स का थ्री कह रहे हैं, तीन कह रहे हैं। यस वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या होगा? थ्री, प्रायंस जो है वो डिजीज कॉज करता है, कौन सा? क्रुटफेल्ट जैकोब डिजीज। वेरी गुड, परफेक्ट, यस वेरी गुड। अरुण, पूजा, शिवान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट की बाढ़ आ रही है यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, परफेक्ट। राजू गलत हो गया बेटा, देख लेना। यस साहिल वेरी गुड, माधवी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन। वायरॉइड्स आर, JNU का क्वेश्चन है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, CEEB जो है मतलब बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो सेवन है, वायरॉइड्स आर स्मॉल इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल्स, अन एनकैप्सुलेटेड मॉलिक्यूल्स, SS RNA मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सेवन जो है उसका क्या होगा? यस बी क्विक, सेवन का विशाल राजपूत कह रहा है वन है। विशाल कैसे वन बेटा, गलत हो गए विशाल। स्मॉल इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन पढ़ो आगे। तुम्हारी कह रही थ्री होगा, प्रिया गुप्ता कह रही ऑल, नई जुई गलत हो गया, माधुरी कह रही सिक्स का तीन, मनीषा सिक्स थ्री, सेवन फोर, नहीं सेवन में सब गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो रहा है? वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स क्या होता है? वायरॉइड से वायरस, वायरस मतलब ध्यान रखने समझने के लिए। प्रायंस तो होगा नहीं, ये तो आपको यहां पर दिया भी नहीं रखा। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स स्मॉल ओनली इंफेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो बाद में जब ये लेक्चर खत्म होगा तो एक बार रिवाइंड करके देखना, वायरॉइड जो पढ़ा था तो आपने क्या वहां पर सुना था। अब देखो आप कह रहे हो कि आप सीएसआई के लिए प्रिपेयर्ड हो, हमें आता है,
आपको वायराइड्स और प्रियॉन्स के क्वेश्चन में, इतने सिंपल से क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट हो रही है, तो आपको और रिवाइज करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग चार कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वेराइडिस आर स्मॉल इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल्स, अन एनकैप्सुलेटेड मॉलिक्यूल्स। हाँ यस, इसको चेंज करो, तीन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। यस बिल्कुल सही है, सेवन का फोर्थ जो है वो सही है। सारे फिट बैठते, यस यस सारे फिट बैठते। वायरॉइड जो है स्मॉल इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल है, यस ट्रू। अन एनकैप्सुलेटेड है, ये जोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अन एनकैप्सुलेटेड मॉलिक्यूल से, यस ये भी सही है। कोई कैप्सूल नहीं, कुछ नहीं, सिंपली इन्फेक्शियस वहां पर क्या है, आरएनए है, तो कोई कवर नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल से, यस सही बात है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल से। हाँ तो इसका आंसर जो होगा सही, थ्री नहीं होगा, इसका क्या होगा, फोर्थ आंसर जो है वो सही होगा। क्लियर, वेरी गुड। देन नेक्स्ट जो है एट नंबर का क्वेश्चन, सिंपल वाला। स्क्रैपी इन शीप एंड मैड काउ डिजीज इन कैटल आर अट्रिब्यूटेड टू, मतलब सिंपली कहा है स्क्रैपी कौन कॉज करता है और मैड काउ डिजीज जो है कैटल के अंदर वो कौन कॉज कर रहा है। यस सेवन हो गया, अब एट को डिस्कस। यस सेवन का फोर बिल्कुल सही है, पूजा, वसुधा, विनया, केनिशा, ये बिल्कुल सही है। अब जो एट नंबर का है, एट का थ्री थ्री थ्री, चलो अब सब लोग थ्री कह रहे हैं, वेरी गुड। विशाल, अभिषेक, प्रियांशी, वेरी गुड, परफेक्ट। यस प्रायंस कहेंगे उसको, ये देखो स्क्रैपी इन शीप मेडिको, कब का, किसका क्वेश्चन है, जेएनयू सीईबी 2004 का क्वेश्चन है। अगेन जेएनयू सीईईबी 2002 का क्वेश्चन है, प्रायंस। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रायंस आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, आर आरएनए वायरसेस, इन्फेक्ट द मसल टिश्यूज, आर यूकेरियोट्स। तो प्रायंस को क्या कहेंगे, यस बी क्विक। नाइन का वन आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल, वन 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 वन, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। श्वेता, दीपक, सुनीता, फातिमा, रुनल, वेरी गुड, विशाल, वेरी गुड। अगर इस तरीके से पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका एंट्रेंस क्लियर होने से आपको कौन रोकेगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि वायरॉइड्स को अगर आपको पढ़ना है तो पूरी किताब है वायरॉइड्स के ऊपर, प्रियॉन्स के ऊपर पूरी किताब है, बड़े बड़े बुक्स में आपको 10-12 पन्ने दिखेंगे वायरॉइड्स के। मैंने कितना पढ़ाया, 5 मिनट में प्रियॉन्स पढ़ा दिया, 5 मिनट में वायरॉइड्स पढ़ा दिया, और उसके ऊपर इतने आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जब हम थर्ली एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहां तक पढ़ाना है और कहां तक नहीं पढ़ाना, क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। यस वेरी गुड, किसी ने भी गलत नहीं किया ये क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो तो फर्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंफेक्शियस एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन विद नो ट्रेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज, एन इंफेक्शियस एजेंट consisting of self-replicating proteins with no trace of nucleic acid are known as, so infectious proteins किसको कहते हैं। अगेन BHU का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका क्या होगा, 10 का कह रहे 2, प्रायंस कहेंगे ओके, प्रियंका कह रही 2, पुनीत 2, कुमारी कह रही 3, टेन का क्या होगा 2 2 2, यस वेरी गुड वेरी गुड।
परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। क्लियर है, कितने हो गए? ये हो गए। क्लियर। अब आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, आज के पूरे लेक्चर में 10 क्वेश्चन हो गए, उसमें से मेरे कितने सही हो गए और मेरे कितने गलत हो गए, आप खुद एनालाइज करो। आपके 10/10 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अगर आपके 10/0 आ गए तो ये तो मतलब बेस्ट ही है, ताकि हम फिर से जीरो से पढ़े। बहुत बढ़िया, 10 का 3 नहीं होगा, 3 क्यों कह रहे हो आप अभी भी? नहीं, यस 10 का 2, मोस्ट ऑफ लोग 2 कह रहे, जो 3 कह रहे शायद वो बीच में लेक्चर छोड़ के चले गए होंगे, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में लेक्चर होने से पहले एक लाइन बता दी, फर्स्ट लाइन, कि आप मेरे साथ पढ़ो, तभी आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, बी क्विक। इंफेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंप्लांट दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्रोटीन आर कॉल्ड इंफेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ना, ये अब जेएनयू का एसएलएस का क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। मतलब जेएनयू दो तरीके एग्जाम कंडक्ट करता है, एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलग से एग्जाम होता है एमएससी एंट्रेंस, और एक बायोटेक्नोलॉजी का और लाइफ साइंस का अलग होता है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का होता है उसको हम सीईई भी कहते हैं, और जो एसएलएस होता है उसको हम लाइफ साइंस, मतलब एसएलएस स्कूल ऑफ लाइफ साइंस कहते हैं। तो इसका क्या होगा, 11 का कुछ लोग करे 2 होगा, कुछ लोग करे 4 2 2 2, मोस्ट ऑफ लोग 2 कह रहे हैं। तो आरएनए क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तो डेफिनेटली क्या होंगे, वायरस होंगे। प्रियॉन्स तो क्या है, इंफेक्शियस प्रोटीन। सैटेलाइट वायरस की तो बात ही नहीं की हमने, सैटेलाइट आरएनए तो एक बार सोचते, वायरसेस नहीं। तो इसका क्या होगा सही, 11th। क्लियर। देन जो 12th है, बिलीव मी इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं करवाएगा, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे। तो ऑनेस्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर। एन अनयूजुअल इंफेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन इन मिल्क फोल्डेड फॉर्म नोन एज एन अनयूजुअल इंफेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इन मिस फोल्डेड फॉर्म इज नोन एज। अभी तो पढ़ा था जस्ट, तो 12th है उसको देखो। चलो बी क्विक, 12th का क्या होगा? विशाल कह रहे 12th का फर्स्ट। मनीषा, जो गेट बीटी के क्वेश्चन से आप हमारे आईएफएस ऑनलाइन के चैनल पे देखिए, हर रोज 9 बजे प्रीमियर होता है और गेट के हम क्वेश्चन सॉल्व करते डेली, और आप देखोगे तो अब तक एटलीस्ट 50 लेक्चर्स उसके होंगे जो गेट बीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये सीरीज चलती रह रही है। आप उसकी टेंशन मत लो, आपके गेट बीटी के सारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए जाएंगे। वेरी गुड, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब आपको इसमें क्या समझ में आ गया, 12th क्वेश्चन है, 3 अपने सेल थ्योरी के थे, अभी 9 क्वेश्चन हो गए वायराइड्स प्रियॉन्स इनके ऊपर। तो क्वेश्चन कितने ऊपर से और कितना सिंपल आता आपने देखा। चलो और एक करते हैं, ये फर्स्ट हो गए। 13 करो, क्लियर। 13 करो, वेरी गुड प्रेरणा, शशि, दीपक। 13, वायराइड्स आर एजेंट्स ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जी क्या कह रहे हो आप सर, क्या हर साल आईडी जम बायोटेक्नोलॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या डिफिकल्टी चेंज होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिफिकल्टी चेंज नहीं होगी, यही लेवल का डिफिकल्टी होगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वायरस यूजुअली डू नॉट पजेस अ प्रोटीन कोड। तो क्या कह रहे हो, 13 का 4 4 2 कह रहे, कुछ लोग 4 4, मोस्ट सब लोग 4 कह रहे। तो क्या है 4th, वायरस नीड हेल्पर वायरस टू इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो वायरॉइड्स को नहीं जरूरत होती हेल्पर की, वायरॉइड्स को नहीं तो किसको होती है, वायरसॉइड्स को होती है जरूरत, किसको होती है,
व्यूरोसॉइड्स को इसकी जरूरत होती है, हेल्पर टी सेल की। क्लियर है? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फोर्थ। मतलब आप देखो कितनी इजी तरीके से, अगर आप खुद से पढ़ो तो आपको पता नहीं चलता कि कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको वहां पर लगा होगी सर ने ये लाइन क्यों बताई कि हेल्पर सेल की मदद लगती है, हेल्प लगती है व्यूरोसॉइड्स को। तो यही है, जो व्यूरोसॉइड्स को अप्लाई है वो व्यूरोसॉइड्स को नहीं। वेरी गुड, क्लियर, ये हो गया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है? फोर्थ, वायरॉइड्स डू नॉट पजेसेस प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही है। वायरॉइड्स रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली इन सेल्स, यस। वायरॉइड्स कंप्राइज इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, वेरी गुड, सारे सही है। चलो बी क्विक, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, अगेन जेएनयू सीईबी का 2017 का क्वेश्चन। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं, इसमें सिंपली कहना है। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन 14 का क्या होगा? चलो बी क्विक आंसर करो, 14 का क्या होगा? 14 का 4, वेरी गुड नंबर था, 14 का 4 जो है बिल्कुल सही है। यस दीपक, राहुल, विशाल, वेरी गुड, चिन्मय, काजल, नील, आदिति, कुमारी, विशाल, जाधव, वेरी गुड, प्रीतिका, संजय, प्रियांशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस 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 4, मतलब आपको बिल्कुल समझ में आया, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए इन कंसेप्ट का, तो आराम से हम इसको डिस्कस आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी का 2016 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ व्यूरॉइड्स एंड प्रायंस, व्यूरॉइड्स एंड प्रायंस के लिए कौन सा ट्रेट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ व्यूरॉइड्स एंड प्रायंस। बी क्विक क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको सॉल्व करो। फिफ्टीन का 3 कह रहे हैं विशाल, विशाल का कह रहे हैं 15 का 3 होगा। तो क्या कहा है हमें? वायरॉइड्स जो है, वायरॉइड्स आर आरएनए, प्रियॉन्स आर प्रोटीन, वायरॉइड्स एंड डीएनए आर, वायरस आर डीएनए, ये गलत है, वायरॉइड्स आर प्रोटीन एंड प्रायंस आर आरएनए। सब लोगों ने 3 ही कहा है, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे पता है बहुत, मतलब आप ऑनेस्टली आप खुद से पूछो, क्या इसके पहले आपको वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, व्यूरोसॉइड्स इनके बारे में इतना पता था क्या? आज चल रहा है ना, डेफिनेटली ये लेक्चर सीरीज जो है कंप्लीट सेल बायोलॉजी की आपको बहुत फायदा देने वाली है। ठीक है, आज मैं इतने सारे क्वेश्चंस क्यों डिस्कस करवा रहा हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी यहां से पढ़कर अच्छे से सारे नेशनल लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते। ये कॉन्फिडेंस एक बार आपके अंदर आ गए ना, डेफिनेटली आपको पढ़ने में मजा आएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, चलो वेरी गुड, 3 आंसर इसका। नेक्स्ट जो है 16, वायरॉइड्स कंटेन, ध्यान से पढ़ना, वायरॉइड्स कंटेन, क्या होता है वायरॉइड्स के अंदर? यस, थैंक यू वर्षा, थैंक यू संजय, हाँ सच में ही यूजफुल है संजय, कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी चल रहा है, अभी क्यों थैंक यू बोल रहे हो, अभी तो बहुत पढ़ेंगे ना अपन। ये 16 का क्या दिया है लोगों ने? 2, 3, 3, 2, 1, इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? 3, 3, अब बढ़िया, वेरी गुड, 3, 3, 2 कह रहे कुछ लोग। वायरॉइड्स आरएनए ओनली होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए?
टू होना चाहिए, लोग थ्री क्यों कह रहे हैं? डीएनए की तो बात ही नहीं की हमने। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, तो 16 का होना चाहिए क्या? टू। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा थ्री इसलिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था। वन का वन थ्री टू, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ गया मैं आपको। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कमेंट आए इसके पहले मैं आगे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, इन्फेक्शियस आरएनए एंड इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर रिस्पेक्टिवली रेफर्ड टू एज। हाँ समझ गया मैं सानिया, ऑप्शन का जो नंबरिंग है ऊपर नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो 17 करो, 17 क्वेश्चन करो, बी क्विक। 17 वन 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 कह रहे हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन में, वेरी गुड। इन्फेक्शियस आरएनएस को हम क्या कहेंगे? वायरॉइड्स, एंड इन्फेक्शियस प्रोटीन को क्या कहेंगे? प्रियॉन्स। 17 का क्या होगा? वन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड विकास सिंह। 17 का वन 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 वन, इन्फिनिट टाइम लिखो ना वन, बहुत बढ़िया। निर्मला, प्रिया, संजय कुमार मिश्रा, वेरी गुड शशि, कुलदीप, वेरी गुड अनु, अरुण, यस संजय, समाधान, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कितने? 17 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। सिर्फ हमने आज क्या पढ़ा है? सेल थ्योरी एंड इस एक्सेप्शन। इसके ऊपर 17 क्वेश्चन आए थे अब तक जितने में मैंने यहां से किए। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और मैं अलग क्वेश्चंस लेके आऊंगा 17 से आगे, जितने भी कल के लेक्चर में होंगे उतने। तो आपको कल भी सेम टाइम पे आना है, 5 बजे शार्प। जो आज का लेक्चर है वो आप अच्छे से रिवाइज करो। कुछ लोगों ने नए नोटबुक लिए हैं, कुछ लोग खरीद ले, अच्छे से नोट्स बनाए और इसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आपको इसमें अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उन सारे क्वेश्चंस के डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा। डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स। आपके आप डाउट पूछोगे तभी तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि ये जो, हाँ थैंक यू अजिंक्य, मोस्ट वेलकम अजिंक्य। ये जो भी स्लाइड, मतलब ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल, सब लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहोगे अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आप सेल बायोलॉजी के मास्टर बन सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, और मैं आपको और एक बार कह रहा हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए ताकि कुछ अगर चेंजेस हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, आप अपडेटेड रहो। क्लियर, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, सो वेलकम स्वस्ति। ठीक है, थैंक यू, वेलकम अभिषेक। हाँ नोट्स का मैं देखता हूं एक बार सौरभ। ठीक है, यस वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। वेलकम पूजा, अनिल, सुवर्णा, सुश्री, गुड इवनिंग प्रदीप। ठीक है, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम संजय।
वेलकम विशाल, वेलकम ऑल। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल भी क्वेश्चंस प्लस लेक्चर, यही अपना पैटर्न रहेगा। तो आराम से जो कुछ लोग अगर आगे का पढ़ना है तो पढ़ के भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसी तरीके से पैटर्न रखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमें एनालाइज हुआ, मतलब कितना हमें ग्रास्प हुआ है उस तरीके से। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच।